हेलो एवरीवन, तो आज हम करेंगे नोकिया 7 प्लस की अनबॉक्सिंग। तो देख सकते हैं मेरा बॉक्स, बॉक्स के पीछे आपको सारी डिटेल्स मेंशन है, जैसे कि हमें इसमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर 630 वाला। इसकी जो इंच है 6 इंच की है, 18:9 वाली। इसमें दो बैक साइड में कैमरे लगे हुए हैं 12 और 13 मेगापिक्सल के। आगे का जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स दिखाई देता है। 7 प्लस की ब्रांडिंग और एंड्रॉइड 1 की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको बॉक्स के सामने की तरफ। पीछे आपको सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बॉक्स दिखाई देता है। नीचे भी आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, कुछ बॉटम साइड में आपको कुछ EMI नंबर्स मिल जाएंगे, उसका प्राइस मिल जाएगा, ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए, इस तरीके का बॉक्स है, तो आप कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। चलिए जल्दी से बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं अपने नोकिया 7 प्लस को। तो ये आ गया हमारा नोकिया 7 प्लस। तो मैं दिखाता हूँ उसका फिजिकल ओवरव्यू। तो कुछ जिस तरीके से आपको फ़ोन मिलता है, वह काफ़ी अच्छी प्रीमियम बॉडी है इसकी, काफ़ी लुक वाइज काफ़ी अच्छा है फ़ोन। आगे की तरफ आपको 2.5D कर्व ग्लास मिल जाता है। तो चलिए एक ले लेते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू। ऊपर की तरफ आपको दो कैमरा मिल जाते हैं 12 और 13 मेगापिक्सल के। फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, नोकिया की ब्रांडिंग मिल जाती है। और पीछे आपको एक प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है, लेकिन साइड में आपको मेटल बॉडी मिल जाती है। तो आगे तरह की स्पीकर, 16 मेगापिक्सल का कैमरा, और नीचे की तरफ आपको कुछ भी नहीं मिलते। जो भी बटन है वो ऑन स्क्रीन बटन है इसके। तो कुछ इस तरीके से आपको बॉडी मिल जाती है। फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रोकर्स के साथ एक पावर बटन मिल जाएगा। फ़ोन के राइट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाएगी। ऊपर की तरफ आपको एक हेडफोन जैक मिल जाएगा 3.5mm वाला। नीचे की तरफ आपको USB टाइप 2 पोर्ट मिल जाएगा, और एक स्पीकर, और कुछ हैंगिंग के लिए आपको एक पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो चलिए कर लेते हैं अपने फ़ोन को ऑन। फोन, तो हमारा फ़ोन बूट एंड्रॉइड 1 के नाम से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अभी के लिए रख लेते हैं साइड में, देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या मिलता है। इसके साथ हमें एक मिल जाता है बैक कवर, ट्रांसपेरेंट है। एक मिल जाती है हमें हैंड फ्री, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है इसमें। नोकिया ने इसके साथ जो हैंड फ्री दी है, साउंड काफ़ी अच्छा है इसका। नोकिया की ब्रांडिंग के साथ मिल जाती है आपको ये, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, देख सकते हो। इसके साथ मिल जाता है पावर ब्रेक, जो कि है नोकिया की ब्रांडिंग के साथ। और जो इसका आउटपुट है वो है 5W 2A का। तो कुछ इस तरीके से आपको पावर ब्रेक मिल जाता है। ये है हमारी USB टाइप सी केबल, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, काफ़ी हैवी है, थिकनेस काफ़ी अच्छी है इस केबल की। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। चलिए इसे रख लेते हैं साइड में, देख लेते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। तो कवर लगाने का कुछ इस तरीके से आपको फ़ोन फील देगा, देख सकते हो पूरे फ़ोन को कवर कर लिया है, आपको डैमेज नहीं होगा। अगर आप कहीं रखते हैं या आपसे थोड़ा सा हाथ से निकल जाता है तो प्रोटेक्ट करेगा आपको बैक साइड से। कुछ आपको 6 इंच की कुछ इस तरीके की स्लिम मिल जाती है, ईजिली आप फोल्ड कर सकते हो। तो चलिए कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन मिल जाती है, देख सकते हो फुल HD स्क्रीन है इसकी, 2.5D कर्व ग्लास वाली। तो काफ़ी अच्छे आइकन शो हो रहे हैं इस स्क्रीन में, साइड व्यू भी काफ़ी अच्छा है, आप इजीली इनको चेक कर सकते हो। डे लाइट में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल रही है स्क्रीन में। डे लाइट में आप आसानी से इसको चला सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो अपने फ़ोन को, नोकिया 7 प्लस को। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरी व्यू वाली डिस्प्ले मिल जाती है, 18:9 वाली, 18:9 वाली कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी स्टोरेज हमें कितनी मिलती है फ़ोन के अंदर। तो इसमें जो हमें स्टोरेज अवेलेबल मिलती है वो अभी मैंने कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए तो अभी 34GB फ्री मिल जाती है हमको। तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं, इसमें ओरियो मिलता है हमें, देख सकते हो आप। तो चलिए कैमरा चेक कर लेते हैं किस तरीके का कैमरा कंपनी ने हमें दिया है। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके देखिए, मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कैमरा नोकिया का। नोकिया कैमरे स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं नोकिया के कैमरे। नोकिया कैमरों का कोई जवाब ही नहीं। तो कुछ फ़ोटोज़ ये मैंने जो क्लिक किए है, तो अभी आप स्क्रीन पे देखिए जो मैंने इसके बैक साइड्स के कैमरे से क्लिक किए फ़ोटोज़। चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।